ऑफ यू, आज आप लोग क्लास यूकेजी में सब्जेक्ट जीके में आप लोग आज पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम। जीके मीन्स क्या होता है? जनरल नॉलेज। क्या होता है? जनरल नॉलेज मतलब क्या होता है, उसका हिंदी क्या होता है? सामान्य ज्ञान। आज आप लोग क्या पढ़ोगे उसमें? पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम मतलब क्या हुआ? शरीर के अंगों के प्रकार पढ़ोगे। क्या पढ़ाऊंगी मैं आपको आज? अंगों के प्रकार। बॉडी मीन्स शरीर भी होता है और अंग भी हम उसको बोलते हैं। आज वही आज हम लोग पढ़ेंगे। चलिए देखिए क्या क्या होता है पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम में। पहला क्या लिख रही हूँ मैं? आई, ई वाई ई। आई मीन्स आँख। क्या लिखी मैं फर्स्ट लेटर, फर्स्ट वर्ड में क्या बनाई हूँ? आई, ई वाई ई, आई। आई मीन्स आँख। ई ए आर, ईयर। ईयर मीन्स कान। ई ए आर, ईयर मीन्स कान। आज मैं आपको पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम क्यों पढ़ाई हूँ? आप लोग अपने बुक में देखिएगा, फर्स्ट चैप्टर में पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम ही होगा। अपने बुक में आप लोग देखिएगा कौन सा चैप्टर फर्स्ट में होगा? पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम। जीके मीन्स क्या होता है? जनरल नॉलेज। उसका मीनिंग क्या होता है? सामान्य ज्ञान। आप लोग का जीके का क्या है? फर्स्ट डे क्लास है। कौन से क्लास में आज आप लोग का जीके का क्या है? फर्स्ट डे क्लास। फर्स्ट डे क्लास में आज आप लोग क्या पढ़ रहे हैं? पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम। और आप लोग का चैप्टर फर्स्ट में ही होगा पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम। फर्स्ट वर्ड में आपको क्या बताई हूँ? आई, ई वाई ई। आई मीन्स आँख। ई ए आर, ईयर मीन्स कान। एन ओ एस ई, नोज मीन्स नाक। आँख से हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं। क्या करते हैं? देखते हैं। देखना क्या होता है? सी। आई मीन्स आई का वर्क क्या होता है? सी। ईयर का वर्क क्या होता है? हियर। हियर मीन्स क्या होता है? सुनना। आई मीन्स देखना। नोज मीन्स नाक। नाक का काम क्या होता है? हम लोग क्या करते हैं उस नाक से? क्या करते हैं हम लोग? स्मेल करते हैं। स्मेल मीन्स सूंघना। एन ई सी के, नेक मीन्स गर्दन। नेक मीन्स गर्दन। एच आई पी, हिप मीन्स कमर। हिप मीन्स कमर। टी ओ एन जी यू ई, टंग मीन्स जीव। टी ओ एन जी यू ई, टंग मीन्स जीव। जीव का काम क्या करते हैं हम लोग? टेस्ट करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? टेस्ट करते हैं। टेस्ट मीन्स क्या होता है? स्वाद। आप लोग जो खाना खाते हो उसमें आप लोग कैसे जानते हो कि ये इसमें नमक ज़्यादा हो गया है, ये मीठा ज़्यादा है, तो कैसे हम लोग जानते हैं? वो लोग टंग से हम लोग इसको क्या करते हैं? टेस्ट करते हैं। टेस्ट मीन्स स्वाद। हैंड, एच ए एन डी। हैंड मीन्स क्या होता है? हाथ। हम लोग क्या चीज़ से वर्क करते हैं? हाथ से ही ना करते। आप लोग क्या चीज़ से लिखते हो? हाथ से लिखते हो। हैंड मीन्स हाथ। F I N G E R, फिंगर मीन्स उंगली। फिंगर मीन्स उंगली। उंगली से तुम लोग क्या करते हो? उंगली से ही ना लिखते हो। क्या चीज़ से लिखते हो? उंगली से लिखते हो। चिन, सी एच आई एन। चिन मीन्स टुड्डी। कहाँ पे टुड्डी होता है? यहाँ पे होता है। चिन मीन्स टुड्डी। L E G, लेग मीन्स पैर। लेग मीन्स पैर। उसको हिंदी में टांग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? टांग। देखते होगे कुछ कुछ वर्ड मीनिंग में लिखा रहता है, टांग भी लिखा रहता है, उसको क्या कहते हैं? हम आपको नॉर्मल चीज़ में बता रहे हैं, पैर कहते हैं। क्या कहते हैं? पैर। आज हम लोग क्या पढ़े? पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम। क्या क्या बनाए पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम में? क्या क्या हमें पढ़ाई? ई वाई ई, आई मीन्स आँख। ई वाई ई, आई मीन्स आँख। ई ए आर, ईयर मीन्स, ईयर मीन्स कान। एन ओ एस ई, नोज मीन्स नाक। एन ई सी के, नेक मीन्स गर्दन। एच आई पी, हिप मीन्स कमर। टी ओ एन जी यू ई, टंग मीन्स जीव। एच ए एन डी, हैंड मीन्स हाथ। एफ आई एन जी ई आर, फिंगर मीन्स उंगली। सी एच आई एन, चिन मीन्स टुड्डी। एल ई जी, लेग मीन्स पैर। क्या क्या पढ़े आज हम लोग? जीके में चैप्टर फर्स्ट में पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम।
मतलब अंगों के प्रकार। क्या पढ़े हम लोग? अंगों के प्रकार, कौन कौन से हम लोग के पार्ट्स ऑफ बॉडी में होता है। पार्ट्स ऑफ बॉडी में कितने बोन होते हैं, हड्डियाँ होती है? 206। कितना होता है? 206। इतना हमेशा याद रखना, कितना होता है? 206। पार्ट्स ऑफ बॉडी में कितने होते हैं हड्डियाँ? 206। और हम लोग उसमें क्या क्या पढ़े हैं हम लोग? आई मीन्स आँख, ईयर मीन्स कान, नोज मीन्स नाक, नेक मीन्स गर्दन, हिप मीन्स कमर, टंग मीन्स जीभ, हैंड मीन्स हाथ, फिंगर मीन्स उंगली, चिन मीन्स टुड्डी, लेग मीन्स पैर। क्या पढ़े हम लोग? लेग मीन्स पैर। हम लोग आज क्या पढ़े हैं? पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम। और आप लोग क्या कीजिएगा, इसको मैं 10 बताई हूँ, आप लोग देखिएगा, बुक में उल्टाइएगा, बहुत सारे लिखे रहते हैं। आप लोग अपने मन से भी इसको लिखिएगा और याद कीजिएगा। जैसे मैं आपको इसका इंग्लिश टू हिंदी बताई हूँ, सबका हिंदी भी बताई हूँ, इंग्लिश बताई उसके बाद हिंदी भी बताई, सबका मीनिंग बताई हूँ, वैसे ही आप लोग क्या करोगे, मीनिंग सबका बोल बोल के मुँह से लिखोगे। जैसे आई मीन्स आँख, ईयर मीन्स कान, नोज मीन्स नाक, नेक मीन्स गर्दन, हिप मीन्स कमर, टंग मीन्स जीभ, हैंड मीन्स हाथ, फिंगर मीन्स उंगली, चिन मीन्स टुड्डी, लेग मीन्स पैर। मैं कितना बार बोल दी, मैं तो 3 बार बोल बोल के आप लोग को हिंदी मीनिंग समझा दी, इंग्लिश की हिंदी। आप लोग भी वैसे ही पढ़ोगे जैसे मैं पढ़ी हूँ, जैसे बोल बोल के लिखोगे तो याद भी हो जाएगा। जब याद हो जाए तो अपने पेरेंट्स के पास घूम घूम के बोलते रहना, मम्मा ये देखो आई है, आई का वर्क क्या होता है? सी, देखना। हम लोग तो आँख से देखते ही ना है। मम्मा देखो ये ईयर है, ईयर का हम लोग क्या करते हैं? हियर। ईयर का क्या करते हैं? वर्क हियर। हियर मीन्स सुनना। नोज, मम्मा खाना बनी है आज, टेस्टी बहुत है। कहाँ से आप लोग कैसे समझ जाते हो? स्मेल करके, सूंघ के आप लोग पता कर लेते हो, मम्मा आज का बहुत ही खाना टेस्टी है। आप कैसे जानते हो? टंग से, जैसे आप खाते हो तो टेस्ट करते हो, तो टंग से आप लोग क्या जान जाते हो कि आज खाना बहुत ही अच्छा बना है। हैंड, हैंड का क्या करते हो? क्लैप करते हो। क्या चीज़ से करते हो? हैंड से करते हो, हाथ से करते हो। फिंगर, उंगली, उंगली से क्या करते हो? लिखते हो। चिन, टुड्डी, ये क्या है हम लोग का भी, ये भी वर्क करता है। लेग, पैर, पैर से क्या करते हो? चलते हो, चल के आते हो ना स्कूल सब, उसको कहते हैं लेग। लेग मीन्स पैर। जैसे मैं सबका इंग्लिश का मीनिंग बताई, वैसे ही आप लोग इंग्लिश का मीनिंग बोल बोल के लिखोगे। कितने टाइम्स लिखोगे? कम से कम इसको 4 times लिखोगे। 4 times लिखोगे तो आप लोग को याद भी हो जाएगा। राइट एंड रिमेम्बर, होमवर्क में आप लोग का क्या है? 4 times लिखोगे इसको, 4 times क्या करोगे? बोल बोल के लिखोगे। आज आप लोग जीके में, जीके मीन्स सबको याद हो गया ना, क्या कहते हैं? जनरल नॉलेज। कोई भी पूछेगा जीके मीन्स क्या होता है, आप तो जीके पढ़ लिए, जीके मीन्स क्या होता है ये पूछेगा सब, तो आप लोग क्या बोलोगे? जनरल नॉलेज। इसका मीनिंग बता दो, सामान्य ज्ञान। और उसमें आप लोग फर्स्ट चैप्टर में क्या पढ़ लिए? पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम। कोई पूछेगा आत्मा बुक के फर्स्ट चैप्टर का क्या नाम बताओ, तो क्या बताओगे? पार्ट्स ऑफ बॉडी नेम आप लोग पढ़े हो। उसमें क्या पढ़ लिए? जो मैं बता दी आप लोग को, उसको इंग्लिश को हिंदी कर करके लिखोगे, ठीक। और आप लोग कितने टाइम्स लिखोगे? होमवर्क देखो आप लोग को मैं दे दी हूँ, राइट एंड रिमेम्बर 4 times। 4 times अपने कॉपी पे ऐसे कर लेना, कॉलम बना लेना, और उसके बाद 4 times लिख लेना, ठीक। ओके, आप लोग समझ गए ना? आप लोग अच्छे से समझ गए? थैंक यू। बोल दिए।